जो भाई मनीष ने सुसाइड किया राजस्थान हाईकोर्ट में, उसके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जो आज शहीद स्मारक पर हमारे साथियों द्वारा किया गया, तमाम कैडर के साथी इसमें पधारे, चाहे चिकित्सा विभाग हो, पंचायत राज हो, शिक्षा हो, चाहे मदरसा पर टीचर हो। और हम लोगों ने पहले कहा था ये श्रद्धांजलि सभा सिर्फ शहीद स्मारक से राज्य सरकार को एक संकेतात्मक है, और ये संकेत है, ये चेतावनी समझ ले राज्य सरकार, इस मसाल को हम बुझने नहीं देंगे, क्योंकि पहले भी हमारे सैकड़ों साथियों ने इस तरीके से सुसाइड किया है। सरकार जो संविदा सेवा नियम नियमितीकरण जो बनाने जा रही है, नियम जो उनके लिए स्थायीकरण के बना रही है, वो बाहर आने चाहिए थे। उनका मानदेय बढ़ाकर सरकार जले में नमक छिड़कने जैसा काम कर रही है। इसलिए संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में पहला सरकार को कड़ा संदेश है, आज शहीद स्मारक से हम लोग और हमारे साथी लेकर गए हैं, और अभी ये आग जिलों में प्रत्येक गांव गांव ढाणी प्रदेश के कोने कोने में तमाम संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जल्द ही बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, और प्रत्येक जिले गांव ढाणी के सभी कैडरों के साथियों को वो कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर भाग लेकर सफल बनाना है। और राज्य सरकार को खुले शब्दों में आज चेतावनी देके जा रहे हैं, यहाँ से सभी साथी एक प्रण लेकर जा रहे हैं कि किसी भी सूरत में अब इस बैकफुट पर संविदा कर्मी नहीं जाने वाला। संविदा कर्मियों के स्थायीकरण की जो बात सरकार ने की है, संविदा सेवा नियम 2022 में जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रूल्स में जो लोग आए हैं, उन लोगों का स्थायीकरण सरकार कैसे करे, उसके एजेंडे को तुरंत प्रभाव से बाहर करें, अन्यथा जिलों गांव ढाणी में इस मसाल को हम लेकर जाएंगे। रामजीत पटेल, प्रवक्ता, संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा राजस्थान।